हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले स्टेटिव और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, गुजराती इंग्लिश दोनों में मैं लिखूंगा और दोनों में समझाने वाला हूँ। जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट गुणात्मक संबंध। इसमें आने वाली तीन मेथड में से आज फर्स्ट मेथड और सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेथड का नाम है यूल मेथड, यूल नीड। तो इसके हम प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो स्टेप्स है उसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम दो से तीन अच्छे जो टॉपिक के रिलेटेड प्रैक्टिकल सम्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूल की मेथड के अंदर आपको तीन स्टेप में सम्स कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में जहां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमको बनाना जाता है वो है टेबल बनाना जाता है। सबसे मेन ये टेबल है। देखिए, टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है और किस तरह से बनाना है समझते हैं। देखिए, यहाँ पे टेबल जो बनाया है उसके अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो सूचना दी गई होती है वो हमको राइट डाउन करनी रहती है, जिसके रिलेटेड दी गई होती है। तो उसको हम यहाँ सिम्बॉल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे यहाँ पर हम लोग ए में कन्वर्ट करेंगे और उसका ऑपोजिट ए का हो जाएगा अल्फा। इसी तरह यहाँ पर जैसे हम कॉलम बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे बी, ठीक है, और तो उसका ऑपोजिट बन जाएगा ये बीटा, ठीक है। बी और बीटा, ए और अल्फा, बी और बीटा। यहाँ पर आपको यूज करना है टोटल, ठीक है, टोटल यूज करना है दोनों साइड। अब देखिए बीच में कैसे वैल्यू रखना है, समझिएगा। टोटल में देखिए, ये ए का जो टोटल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसी तरह अल्फा का टोटल यहाँ देखने को मिलेगा, तो नीचे बी का टोटल आएगा और यहाँ पर आएगा बीटा का टोटल, और यहाँ पर कैपिटल एन बन जाएगा दोनों का टोटल, ठीक है। अब मिडिल में कैसा रहता है, मिडिल में दोनों का गुणाकार रहता है। जैसे ये जो टेबल है, ये जो ये ए और बी का गुणाकार, मतलब यहां पर ए और बी की वैल्यू रखी जाएगी। ये जो है यहां पर ए और यहां पर बीटा, तो यहां पर ए और बीटा की वैल्यू रखी जाएगी। टेबल सबसे मेन है। यहां पर देखिए, ये अल्फा है तो ये अल्फा, और सामने ऊपर की साइड देखिए बी, तो ये अल्फा और बी का गुणाकार होगा। तो यहां पर इस टेबल में समझ गए होंगे, अल्फा और ऊपर बीटा, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी। तो इस तरह से टेबल में सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, उसके बाद स्टेप वन कंप्लीट होने के बाद स्टेप टू, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, फॉर्मूला आपको याद नहीं तो शॉर्टकट समझा देता हूं। आप एक क्रॉस वर्ड याद रखिए, क्रॉस, क्रॉस में मतलब ये देखिए, क्रॉस में ऐसा मैं यहां पर बता देता हूं, क्रॉस में आपको याद रख लेना है, क्रॉस में गुणाकार होने वाला है। देखिए कैसे, ये ए बी का गुणा किससे होगा, अल्फा बीटा से, ए बी के मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा, ठीक है। फिर सेकंड, ए बीटा के मल्टीप्लाई में अल्फा बी, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ए बीटा के मल्टीप्लाई में अल्फा बी। ऊपर माइनस साइन है, नीचे प्लस साइन है, और सेम टू सेम वही का भी वैल्यू हमको नीचे रखना है। फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस ऊपर माइनस साइन के साथ है तो नीचे प्लस साइन के साथ। आई होप आप फॉर्मूला आप समझ होंगे। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है अल्फा बीटा से, तो वहीं पर ए बीटा का मल्टीप्लाई करना है अल्फा बी से। ऊपर नीचे सेम ही आने वाला वैल्यू भी, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। सेकंड स्टेप में फॉर्मूला से वैल्यू फाइनल करेंगे, जिसे हम संकेत में क्यू लिखते हैं। थर्ड स्टेप में हमको यहाँ पर अर्थगठन इंटरप्रेट करना है कि भाई कैसा होने वाला है ये एसोसिएशन, ये संबंध कैसा रहेगा। तो आपको आंसर प्लस वन से लेकर माइनस वन के बीच में मिलेगा, ठीक है, पॉइंट में भी हो सका। तो प्लस में आ गया आपका आंसर तो उसे पॉजिटिव एसोसिएशन, धनात्मक संबंध कहा जाएगा, लेकिन माइनस में मिलेगा तो उसे नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध कहा जाएगा। और साथ में अगर जीरो मिला, आंसर जीरो भी है, तो उसे नो एसोसिएशन, संबंधों अभाव, या उसे स्वतंत्र भी कहा जा सकता है। तो इस तीन स्टेप के अंदर हम सॉल्व करेंगे यूल मेथड को सॉल्व करने वाले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके थोड़े बहुत टॉपिक कन्वर्ट सीख लेंगे, उसके बाद आने वाले और सेकेंड टाइप के टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे। इस मेथड को दो भाग में आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, हम सम्स ले रहे हैं प्रैक्टिकल बुक में से, आपकी बुक में भी होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करें जिसके अंदर डायरेक्ट सिंबल में हमको वैल्यू दी गई हो, और सेकंड टाइप अगले वीडियो में सॉल्व करें जब पैराग्राफ में दिया गया हो तो उसके सिंबल में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे मेन वो होता है। तो पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले हम जिसमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई हो उस टाइप के दो से तीन सम्स गिन लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 46 का सम सॉल्व कर रहा हूं, जिसका बी आपको दिख रहा होगा, यूल कोएफिशिएंट, यूल लो संबंध, यूल लो गुणात्मक संबंध सोधो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू दी गई, कैपिटल एन इज इक्वल टू 400, यहाँ पर बी का टोटल दिया गया 250, या अल्फा का टोटल दिया गया 100, या अल्फा बीटा का दिया गया 70। तो मैंने राइट डाउन कर दिया ऑलरेडी सम्स, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कैपिटल एन बी अल्फा और अल्फा बी। तो देखिए, अब इसके बेस पर हम कैसे सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे सीखते हैं। तो स्टेप वन, जैसे मैंने कहा था, हमको टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल के अंदर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर हमारा अल्फा होगा, तो यहाँ पर बी आने वाला है तो यहाँ पर क्या आएगा, बीटा, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पर कैपिटल एन आने वाला है।
और टोटल ए का टोटल यहाँ पर हम रखेंगे, उसी तरह अल्फा का टोटल यहाँ पे आएगा, यहाँ पर बी का टोटल रखने वाले हम तो उसके नीचे बीटा का टोटल पहले राइट डाउन कर देना है। बीच का भी हम लिख देते हैं ऐसा है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ए बी का आने वाला है उसके इज इक्वल करके रखिए, जैसे यहाँ वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर अल्फा बी का वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर ए और बीटा, ए बीटा का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा। चलिए सारे हमने लिख लिया, पर वैल्यू रख देते जो जो हमें दिया गया है, बाकी मिसिंग हम फाइंड आउट कर देंगे। कैपिटल एन का दिया गया 400, कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना है 400। बीटा सॉरी बी दिया गया, क्या दिया गया प्लीज फोकस कीजिए, बी दिया गया मतलब बी का डायरेक्ट टोटल दिया गया, बी का टोटल दिया गया 250। उसके बाद ये अल्फा दिया गया, ओनली अल्फा है तो अल्फा का टोटल दिया गया, अल्फा इज इक्वल टू 100। ये मल्टीप्लाई वाला है तो मिडल में 100% आने वाला है, तो किसका ये अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई दिया गया, अल्फा बीटा का गुणा कर दिया 70। तो देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है, डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है, डायरेक्ट समझ सकते हो तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं समझ पाता तो सिंबल से पहचान लोगे अल्फा बीटा कहाँ पर आने वाला है, 70 यहाँ पे आ जाएगा। अब सारे वैल्यू में राइट डाउन कर दिए, फिर भी बहुत सारे मिसिंग है अभी, तो मिसिंग वैल्यू पहले उसे फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम फॉर्मूला रखेंगे। मिसिंग वैल्यू बड़ा सिंपल सा, ये दोनों को प्लस करके सामने ए आने वाला है, इन दोनों को प्लस करके सामने आने वाला है, इन दोनों को प्लस के नीचे आएगा, इन दोनों को प्लस करके नीचे आएगा, ठीक है, तो समझ गए। तो अब स्टार्ट करते, देखिए 400 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर 100 है तो बाकी बचा कितना आएगा, 400 में से 100 माइनस कीजिए 300 आ जाएगा, जो जो वैल्यू मिलती जाए उसे फाइंड आउट करते जाइए। अब ये वैल्यू हमको मिल सकती है कैसे, 400 में से अगर 250 माइनस करेंगे तो बीटा का मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस करके 400 आया है, तो 400 में से 250 माइनस कीजिए यहाँ पर 150 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मिल चुका तो ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे कैसे, 70 ऑलरेडी दिया गया, इन दोनों को प्लस करके 150 आया, तो 150 में से 70 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80। अब ये वैल्यू चाहिए तो मिल जाएगा ये भी, और ये भी मिल जाएगा, 100 में से 70 माइनस कीजिए 30 आ जाएगा, आप चाहो तो 250 में से 30 माइनस करो तो भी आ जाएगा, या 300 में से 80 माइनस करो तो भी आ जाएगा 220। आई होप आप समझ गए कि टेबल का आपस में किस तरह से कनेक्शन है और कैसे फाइंड आउट करना है मिसिंग वैल्यू। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर, जिसमें हमको अप्लाई करना है फॉर्मूला, जो मैंने आपको शॉर्टकट समझा दिया है, एक क्रॉस में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। बाहर इसलिए मैंने ए बी और ए बीटा लिखा, जैसे आप फॉर्मूला लिख सको, ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए हमको समझना था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ए बी का मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, अल्फा बीटा से होगा, ठीक है, फिर ऊपर माइनस आएगा यहाँ पर क्रॉस में ऐसा, तो ये ए बीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, अल्फा बी से होगा, इसलिए मैंने यहाँ सिंबल लिखा, जैसे आप फॉर्मूला भी बना सको, जो ऊपर है वही नीचे आने वाला है, जस्ट साइन को चेंज करो, माइनस का क्या कर दो आप प्लस कर दो, बाकी सेम टू सेम, ठीक है, फॉर्मूला राइट डाउन कर दिया। अगर फॉर्मूले के बेस पर वैल्यू नहीं रखना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, वैल्यू तो ऑलरेडी है ना, 220 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 70 से होगा, फॉर्मूला देख देख के वैल्यू नहीं रखना है तो ऐसे समझ लीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है ऐसे भी, 80 का मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, 30 से होगा। अब जो ऊपर आया वही नीचे आने वाला, जस्ट साइन को चेंज करना, साइन को चेंज करना मतलब माइनस था तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, बस इतना सिंपल सा है फॉर्मूला। तो वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देते, इसका कितना आने वाला है 15,400 आएगा, यहाँ पर आएगा 2400, वही सेम नीचे आने वाला है हम लोग को, तो बस प्लस का साइन होने वाला है, तो फाइनल क्या होने वाला है इसका देख लेते, तो ऊपर हमने भाई माइनस करना है तो 13,000 हो जाएगा, नीचे प्लस करना है 17,800 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस के हमको आंसर आने वाला है। पॉइंट के बाद चार डिजिट लिख लीजिए, कई बार दो में भी छपा होता कई बार चार में छपा, तो आप एवरेज करके एक बार चार लिख लीजिए, उसके बाद आप चाहो तो आप पॉइंट के बाद टू वैल्यू लिख के फाइनल आंसर कर सकते हो, बट एक बार चार वैल्यू लिख देना जिससे कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। फाइनल हमको इंटरप्रिटेशन देना है, अर्थघटन करना है, तो भाई आपको क्या मिला, ये क्यू इज इक्वल टू आपको जो मिला है कैसा मिला भाई, प्लस का मिला कि नहीं मिला है, प्लस का वैल्यू मिला है, इसके लिए कैसा होगा ये भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन होगा, ठीक है, मतलब धनात्मक धनात्मक गुणात्मक संबंध, ये हमारा हो गया कंप्लीट सम। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, और एक और सम दिखा देता हूँ, थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे, जस्ट टेबल में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो मैंने सम्स लिया बुक का 43 नंबर का, आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए 43 नंबर, जिसमें डायरेक्ट हमको सारी वैल्यू दी गई है, इसी को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, टेबल सॉल्व करा दूंगा उसके आगे तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टेबल में कैसे वैल्यू रखना आप जान गए होंगे, यहाँ पर ए आने वाला है तो यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बी आएगा तो यहाँ पर बीटा आने वाला है, सामने ए का टोटल सामने अल्फा का टोटल, नीचे बी का टोटल आएगा तो नीचे बीटा का टोटल आएगा, यहाँ पर कैपिटल एन, और बीच में लिखना आप तो लिख सकते हो दोनों का गुणाकर, यहाँ पर ए बी होगा तो यहाँ पर ए और बीटा होगा, यहाँ पर अल्फा और ऊपर का बी, यहाँ पर अल्फा ऊपर का बीटा। चलिए वैल्यू रखें, तो अब हमको कैपिटल एन दिया 2000, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 2000,
ए बी, तो देखिए ये ए है और ये बी, दोनों का गुणा का मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 500। यहाँ पर अल्फा और बीटा लिखा गया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों का गुणाकार यहाँ पर आएगा 100। और एक और दिया, ए का टोटल दिया है, ये ए का टोटल कितना दिया 800। अब बाकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते, बाकी तो आप फॉर्मूला लगा के आंसर ला सकते हो। ठीक है, 2000 में से 800 माइनस कीजिए, आपको कितना आएगा 1200 आ जाएगा। अब ये 100 ऑलरेडी दिया है तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कितना आएगा 1200 में से 100 माइनस कीजिए 1100 आ जाएगा। अब ये वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को प्लस करना, प्लीज ध्यान रखिएगा, होगा ये दोनों प्लस होकर टोटल आएगा, क्योंकि हमारा टोटल होता है, ये कौन सा है टेबल टोटल का है। तो 500 और 1100 करके होगा 1600 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगा इन 2000 में से 1600 माइनस करो 1500 सॉरी 400 हमारा वैल्यू मिल गया। अब लास्ट ये बाकी है, अब इसमें से माइनस करो तो भी आपको 300 मिलेगा, 800 में से 500 तो भी 300 आएगा, या 400 में से भी 100 माइनस करो तो भी 300 आएगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर काम हो चुका भाई स्टेप वन का टेबल का। अब इसमें से फॉर्मूला लगाना आपको आई होप आ ही सकता है, आंसर निकालना भी आपको आ सकता है। माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब आपको क्या देना भाई, इसको नेगेटिव एसोसिएशन मानना, ऋणात्मक संबंध हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ गए, क्योंकि ये बेसिक आना पहले जरूरी है, उसके बाद हम इसके बाद आने वाले जो पैराग्राफ में से ए अल्फा बी और बीटा कैसे एज्यूम करते हैं सबसे मेन वो है, बाकी जो कैलकुलेशन सेम ही रहने वाला हर एक के अंदर, बस ये टेबल आपको समझाना है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई इसका नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो इस मेथड को मैं कंप्लीट करके समझा दूंगा, क्योंकि ये मेथड आपकी एग्जाम में 90% आने के चांसेस है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते, आई होप इससे आपको हेल्प भी होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।